संसार दिखता है, ये परमात्मा क्यों नहीं दिखता है? कि परमात्मा दिखे कैसे? तुम देखते हो संसारी पदार्थों से, इंद्रियों से, अंतःकरण से, जो प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से परमात्मा कैसे दिखे? ये जाति एक नहीं है, किसे दिखते हैं? स्वयं से दिखते हैं। स्वयं आपको मैं हूं, जो परमात्मा है, तू हूं रहे तो एक जाति है, मैं होने जो हूं हो गया, मैं नहीं हुए तो है हो गया, है का है ही है, मैं साथ में लगे तो हूं हो गया, मैं नहीं लगा तो है हो गया, है जो का तू है, सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है तो ये मैं पना और संसार पना ये नहीं है, और है पना है। कितनी बढ़िया बात है। तो नाश तो विद्यते भाव, नहीं है वो नहीं है, इंद्रियां अंतःकरण से दिखते हैं तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, देखने वाला नहीं, दिखने वाला एक मास ने कहा है, ये दिखने वाला नहीं। आप ध्यान दो एक बात हूं, और बात, आप आंख से देखते हो, पर आंख को देखते हो? अपनी आंख को देखते हो क्या? कैसी आंख? अपनी आंख नहीं, दूसरे आंख को भी आंख नहीं देख सकती, आंख रहने की जगह देख सकते हैं। हम आंख से देखते हैं तो ऐसा है, ऊपर पलका है, नीचे पलका है, दोनों मिलती है, ये होती है, और ऐसे सफेद सफेद है, बीच में काला काली टीक है, काली काली टिकड़ी है, उस टिकड़ी के बीच में एक छोटी सी काली और है, देखा है ना? इसे देखा ही होगा। आंख होती है सफेदी पर सफेद ज्यादा होती है, बीच में एक काली काली होती है, काली काली के बीच में एक काली टीकी और है, वो काली टीकी है उसे देखते हैं सभी, छोटी सी टीकी है उसे देखता है। ये तो आंख बनाने उसे देखने की शक्ति के रहने का घर है, काला और काले का घर है, धोला धोला का घर है, ये सब रहती है, देखना शक्ति हुआ छोटी सी हुई तिल जीती सुन काली काली उसे दिखता है। किसी देखने की सुविधा सोच जाते आंख है जो कुछ दिखे, आंख दिखे साफ, आप देखो तो दिखता ही नहीं, कैसे वो कनीन का कहते हैं उनको, वह बिगड़ गई, अब दिखते नहीं। तो आंख को कोई देख नहीं सकता, उसमें जो देखने की शक्ति है वो देखने में नहीं आती। इंद्रिया अतिद्रिय है, इंद्रिया इंद्रियों का विषय नहीं है, तो आंख आंख का विषय नहीं है। तो आंख है इसमें क्या पता कि जिससे देखते हैं उसका नाम आंख है, ये आंख ऐसा नहीं, जिससे आप देखते हो उसका नाम आंख कहते हैं, तो जिससे संसार को जानते हो वो आपका स्वरूप है, ये थोड़ी आपका स्वरूप है, जिससे सब जानते हो, जानकारी मात्र जिससे होती है वो आपका स्वरूप है, जानकारी जानकारी जानना जाना सुबह बताया था कि नहीं, कोई मर गया, कोई जन्म गया, कोई आ गया, कोई चला गया, किसी का संयोग हो गया, किसी का वियोग हो गया, कोई सुखी हो गया, कोई दुखी हो गया, ये तो तरह तरह का है संसार, उसमें है बना रहते ये तत्व है, ज्ञान रूप है ये तत्व, इतनी तो बात है, इतनी बात है सभी, जो है वो स्वरूप है। तो अनेक जन्मों में जाता है तो जीव तो वही रहता है ना, जैसे कपड़े बदलने पर शरीर थोड़ा ही बदल जाता है, ऐसे शरीरों के बदलने पर आप थोड़े बदल जाते हो, ऊंच नीच गति हो गए, स्वर्ग में जय क्षीण पुण्य मृत्युलोक में संति आ गया, गतागतं काम कामाला बनते वो कामना वाला बदल है, वो जो जाता आता जन्मता मरता वो है, वो रहता है, और ये शरीर नहीं रहते, तो रहता है, रहता रूप सही कर रहा को बहता सगन बही दे, ये बहता है, ये रहने वाला नहीं है, रहता है वो रहने वाला है, तो रहने वाला है। संसार में तो परमात्मा है, संसार बदलता है, शरीर में आत्मा है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलता और परमात्मा नहीं बदलता, नहीं बदलता तो में से एक जाति, बदलना बदलना एक जाति, इतनी बात है, और कुछ है? संसार बदलता है, शरीर बदलता है, शरीर को जो संसार से अलग मानना है ये ही अनर्थ का हेतु है, शरीर संसार से अलग हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, रह ही नहीं, शरीर साथ है,
अब शरीर को अलग मानकर संसार को मानते हैं, यही जन्म मरण का कारण है। शरीर सब स्थूल शरीरों के स्थूल शरीर संसार के साथ एकता, सूक्ष्म शरीरों की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता, तो संसार के साथ शरीरों की एकता, और शरीरों में रहने वाला उस भगवान के ममई वांशु जीव लोग मेरा अंश है, वो परमात्मा के साथ एक है और ये संसार के साथ एक है। तो परमात्मा के साथ एक है, उसमें एक में हम तो परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। अब भक्ति से गुणों से ज्ञान से गुणों ज्ञान गुणों से स्वरूप से एक है, भक्ति गुणों तो जाति से एक है, यूं लो। और शरीर और संसार ये एक है, तो संसार और शरीर की जितनी वस्तु है ये सब संसार की है, आपके साथ चलेगी, साथ आएगी नहीं, साथ रहेगी नहीं, और आप है वो परमात्मा के साथ है, तो परमात्मा आप एक हुए, ये सब जाने वाले हैं, मिटने वाले हैं, इतनी तो बात है। अब इसमें शंका हो तो पूछो, कोई संदेह हो तो पूछो। नारायण नारायण नारायण। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं राम 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 नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नाश तो विद्यते भावः अर्थवा असतः भावः न विद्यते असत्त्वे है नाशवान असत सत्य नहीं है उसका भाव नहीं है मनुष्य सत्ता नहीं है और ना भाव विद्यते सतः सतः सद्वस्तु न अभाव न विद्यते सद्वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है असत के तो सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है असत तो रहने से तो असत है सत नहीं असत है नाशवान है क्षण भंगुर है उसकी सत्ता नहीं है उसका होना पर नहीं है और सतः अभाव न विद्य सद वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है मानो है वो तो है ही है और नहीं है वो नहीं है तो है नाम तो परमात्मा हुआ और नहीं नाम संसार हुआ संसार नहीं नाम क्यों हुआ कि संसार और शरीर ये पहले नहीं था जितनी चीजें देखने में आती है ये पहले नहीं थी और फिर नहीं रहेगी ये बात एकदम प्रत्यक्ष है और परमात्मा पहले भी थे और फिर भी रहेंगे और वर्तमान में भी है और ये संसार वर्तमान में है नहीं किंतु बह रहा है परिवर्तन हो रहा है नाश की तरफ जा रहा है पहले नहीं था उत्पन्न हुआ तो नाश की तरफ जा रहा है और नाश हो जाएगा जैसे संसार का नमूना शरीर है ये शरीर उत्पन्न होने से पहले नहीं था अभी जितने शरीर बैठे हैं ये आज से 100 वर्ष पहले नहीं थे और 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे
एकदम पक्की सच्ची बात है।